क्या है पूरा मामला, क्या है, कौन सी टीम आई थी यहाँ पर? सर मामला यही है कि हम 20% मेरा सबसे बड़ा गुनाह सर्वप्रथम यही है कि हम जो 20% डिस्काउंट लोगों को सबको दे रहे हैं, इसी 20% डिस्काउंट के नाचकारे यहाँ की इंडियन लोग, ड्रग मेडिकल माफिया लोग यही सोचे किसी न किसी तरह हमारी दुकानें बंद कर दिया जाए, वरना हम 20% डिस्काउंट देंगे या किसी को मिलेगा। इसी सिलसिले में उन्होंने हमारी शिकायत हर जगह किया। जो टीम आई थी जी, किन किन कमियों को दिखाकर उन्होंने कार्रवाई की? सर जो टीम आई थी राहुल कुमार ड्रग इंस्पेक्टर से, उन्होंने आया, जैसे आए उसके आपसी मीटर के बारे में पूछे, हमने उनको रेट बताया, उन्होंने रेट के लिस्ट चपकाया, उसके बाद उन्होंने बिल मांगा आपसी मीटर, हमने सारी बिल दिखाई, उसके बाद उन्होंने पूछा तुम्हारा फार्मासिस्ट कहाँ है, हमने कहा मेरा फार्मासिस्ट गया दवा लेने के लिए, अपने फार्मासिस्ट से मैं अपनी मोबाइल से बात कर रहा हूँ, ये हमारे फार्मासिस्ट फिर बात करा, हमने कहा ठीक है बुलाओ, फिर उसके बाद हमने कहा सर 10-15 मिनट लगेगा बुला दो, कहने दो कोई जरूरत नहीं है, बात हो गई इतना बहुत, राहुल कुमार जी ने कहा सर। फिर उन्होंने कहा उसके बाद न हमारे पास एक्सपायरी बॉक्स का जिक्र किया, न हमारे पास हमसे बोले गोदाम बारे कुछ नहीं किया, उसने फिर उसके बाद देखा सब कहा चलो सब ठीक है, घबराओ मत बेटा, शिकायत हुई थी इसलिए आए, ठीक है। और सर पहली बात ये है पूरे जौनपुर में जितने मेडिकल हैं सर किसी के पास फार्मासिस्ट है, लेकिन हमारे पास है एक नहीं दो फार्मासिस्ट, एक अब से कहाँ अब से इधर इसका भी सर, ये भी हमारा फार्मासिस्ट, हम दो फार्मासिस्ट लेकर चले थे, इसलिए चले थे क्योंकि सारे जौनपुर के यूनियन वाले हमारा विरोध करे, इसलिए हम दो फार्मासिस्ट उनका सेकेंड ईयर है मार्कशीट उनका फाइनल इनका सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, इसी सिलसिले में उन्होंने आया और सीधे चले गए, ना हमारे पास कोई लेटर दिए जो यहाँ कार्रवाई किए, कुछ भी हमारे पास लेटर नहीं आया कि इतनी पक्की इतना गलत इनकी क्या पाया गया, कुछ नहीं हुआ सर। उसके बाद क्या किए क्या नहीं किए, यूनियन वाले क्या दबाव डाले, मेडिकल माफिया वाले क्या दबाव डाले कि अंदर अंदर सारी कार्रवाई हुई, निलंबन तक का आदेश आ गया, निलंबन का ना हमारे पास कोई लेटर आया, निलंबन किस शर्त पे हुआ? यही शर्त उनका यही था कि इनके पास फार्मासिस्ट नहीं मिला, एक्सपायरी बॉक्स नहीं था, गोदाम नहीं था, सारी चीज तो आपके यहाँ अवेलेबल है जी सर, वो सारी चीज हम आपको दिखाए हैं। तो क्यों ऐसा कार्रवाई की? दवा में सर, यूनियन के दवा में या ड्रग मेडिकल माफियाओं के दवा में, यहाँ के यहाँ पे जो अधिकारी सब मेडिकल के दबाव में काम करते हैं, सब एकदम किए हैं सर, आपके यहाँ कोई कमी नहीं पाई? नहीं कोई कमी नहीं पाई सर, उसके बाद ही ना हमको कोई लेटर मिला, ना कोई एप्लीकेशन आया मेरे पास, निलंबन का भी मेरे पास पेपर नहीं आया सर अभी तक। तो कैसे आपको सूचना मिली कि हमारी दुकान नहीं? सर मैसेज करे, वो भी मैसेज जो हमारे विरोधी हैं उनके पास आया, हम नाम नहीं लेना चाहते सर, लेकिन सबसे पहले वहाँ से आया, वो लोग एक दूसरे को मैसेज किए, तब जाके हमारे पास न ऑफिस से, न हमारे ड्रग ऑफिस से, न वहाँ बनारस डीएलओ से ऑफिस से हमारे पास कोई सूचना नहीं, अभी कुछ नहीं आया, कुछ नहीं सर आया था, मैसेज किसी द्वारा आया था वही हमको मिला था, हमने पता किया, हमने डीएलओ साहब किया था, कहा यार कोई ऐसी बात नहीं है, अभी आपका अधिकारी सूचना नहीं है? अधिकारी सूचना कुछ भी नहीं सर मेरे पास, बस वही पेपर द्वारा हम सुने, पेपर से हम भी सुने, हम क्या ऐसा होगा, हम लोग पता किए कोई बात नहीं, तो अपना क्रय विक्रय आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या नाम दबाव है बस। क्या नाम आपका? मेरा नाम जय सिंह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल। किस जगह के आप फार्मासिस्ट हैं? मैं थाट मेडिकल फार्मासिस्ट। जो वहाँ पे यहाँ पे अधिकारी आए थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उनका कहने का तात्पर्य यह था कि वक्ती तौर पे यहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद नहीं थे, जबकि मैं जब बगल में गया था दवा लेने के लिए, मेरी उनसे व्हाट्सएप पे बात की हुई, उनसे भी पहले बात की, कहा अगर मैं सर नहीं आ सकता हूँ 10 मिनट का आपको मौका दीजिए, मैं वहाँ पे तुरंत उपस्थित हो रही, उसके बावजूद मैं उनके पास जो दवा हमें लेने गया था अपनी, उसका प्रिस्क्रिप्शन पेपर और सारी दवाओं का फोटो वगैरह मैं तुरंत व्हाट्सएप किया, वो चीज़ मेरे मोबाइल में इस समय मौजूद है, तो ये सब बात
होने के बावजूद उन्होंने हमको पेपर में दिखा दिया कि यहाँ पे परमिशन अवेलेबल नहीं, क्योंकि आप यहाँ हमेशा रहते हैं। मैं यहाँ पे हमेशा रहता हूँ, उसके बावजूद उन्होंने लगा दिया। देखिए, हम इस समय यथार्थ मेडिकल एवं सुपर मार्केट पर खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर एक ड्रग इंस्पेक्टर प्रतापगढ़ से आए थे, जिन्होंने कार्रवाई किया है। जो कार्रवाई का कागज इनका है कि इनके पास ये देखिए एक्सपायरी पैकेज बॉक्स सामने फ्रंट पर ही बना रखा है। उनका आरोप है कि इनके पास एक्सपायरी पैकेज बॉक्स नहीं है, ये आपको सामने दिखा रहे हैं। और यहाँ के सभी जो ग्राहक हैं इनसे काफ़ी संतुष्ट भी हैं। ये देखिए हम लोग आ गए हैं। और उनका दूसरा आरोप है यहाँ गोदाम नहीं है। अभी मैं आपको गोदाम भी दिखाता हूँ कि मेडिकल के जो अफसर आए थे किस हिसाब से एक तरफा कार्रवाई किए हैं। इनको उनका साफ करना है कि यहाँ गोदाम नहीं है। ये देखिए, ये है इनका गोदाम। और इनके ऊपर आरोप लगाए थे कि इनके पास गोदाम नहीं है। अगर गोदाम नहीं तो ये है क्या? और न्यूज इंडिया बात भी करेगा उन जिम्मेदार अधिकारियों से कि जिन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए ये दिखाया है कि इनके पास न बॉक्स है न गोदाम है और न तो फार्मासिस्ट है। हम फार्मासिस्ट की भी बात कराएंगे कि यहाँ फार्मासिस्ट उस समय दुकान पे दवा लेने गया था, और इनसे ही बात कराएंगे कि यहाँ बैठिएगा, ये हैं फार्मासिस्ट हैं, इनसे ही जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये बताइए, जब वो अधिकारी आए थे तो आप यहाँ थे मौजूद? नहीं सर, मैं इस समय उस टाइम पे मैं यहाँ पे नहीं था। हाँ, मैं दवा लेने गया हुआ था। तो वहाँ से जब अधिकारी यहाँ पे आए तो मैं दवा लेने गया था, तो मेरी बात हुई उनसे। यहाँ पे जो और लोग थे उन्होंने मेरी बात करवाई कि आप कहाँ पे हैं। तो मैंने बताया कि सर मैं दवा लेने आया हूँ, 10 से 5 मिनट में आ जाता हूँ जैसा आप आदेश करें। तो उसके बावजूद भी मैंने विटनेस के तौर पे अपने व्हाट्सएप पे मेडिकल का एक व्हाट्सएप था, उस पर दवा और प्रिस्क्रिप्शन पेपर मैं व्हाट्सएप किया। और व्हाट्सएप करने के बाद कि जब वो चलेगा तो मैं तुरंत मतलब 10 मिनट बाद आ पाया। हम कैसा है, अगर अनिवार्य तो मैं तुरंत 10 मिनट में यहाँ पे उपस्थित हूँ। यही मामला। तो ये बताइए, वो फिर रुके नहीं, तुरंत चले गए वो? आपका वेट नहीं किए? नहीं, वो चले गए यहाँ से। उनका आरोप यही था कि यहाँ पर नहीं है फार्मासिस्ट, नहीं रहता ना। आप इस जगह फार्मासिस्ट लगातार रहते हैं ना पर? जी सर, मैं तब उन्होंने कागज पे क्यों लिख दिया कि फार्मासिस्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है? कागज पे सर उन्होंने कई बातों को लिख दिया। जिले से कोई अधिकारी आया था? नहीं, कोई जिले से सर कोई नहीं आया था। चलिए, अब हम सीधे अब यहाँ के मालिक से ही बात करते हैं, इनसे ही पूरी हकीकत जानते हैं किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई। जो कि आरोप जो लगा है वो हमने देखा है, सब चीज़ सही पाया गया कि यहाँ गोदाम भी है, यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट का बॉक्स है वो भी है, सब चीज़ है। लेकिन किस तरह से अधिकारी ने एक तरफा कार्रवाई किया है इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयसिंह है सर। आप यथार्थ मेडिकल के क्या हैं? सर मैं मैनेजमेंट देखता हूँ। अच्छा, मैनेजमेंट देखते हैं जी। जब अधिकारी आए थे, ये बताइए अधिकारी यहाँ जिले से कोई आया था कि बाहर से टीम आई? नहीं सर, जिले से कोई नहीं आया था, बाहर सुल्तानपुर से आए, प्रतापगढ़ से आए थे राहुल कुमार जी। तो क्या है वो? वह अथवा डी आई है हमारे। तो जिले से क्यों अधिकारी नहीं लिया उन्होंने? उन्होंने सर जिले से और डायरेक्ट आए कहें कम्प्लेन पे हमने आया, उन्होंने इसे बोला कि कम्प्लेन हुआ इसलिए आया। क्या क्या देखे सर? हमारे पास जो चीज उन्होंने पूछा सारा हम उनको जवाब दिया। हमने उनसे हमसे पूछे आपका फार्मासिस्ट कहाँ? हमने कहा सर दवा लेने गया है। कहा हम कहे सर बात करा दें? कहे हाँ बात कराइए। फिर हमने अपने फार्मासिस्ट से बात कराया, उन्होंने पूछा तो कि कहाँ हो, तो उन्होंने बताया सर हम दवा लेने आए हैं, मैं दवा को व्हाट्सएप करूँ। तो फिर हमारा फार्मासिस्ट उनको व्हाट्सएप किया। फिर हमने उनसे ऑक्सीमीटर का बिल मांगे, हमने उनका बिल दिखाया, रेट बताया, रेट
लिस्ट चपनाए, ठीक है, उसका फोटो उनके हमारे डीआई साहब पास है, जो लिस्ट हमने चपनाया और उनको सब कुछ दिखाया था। यहाँ पे हम कई ग्राहकों से भी बात किए, सब ग्राहक यहाँ संतुष्ट हैं आपके काम से, और सबका सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पर जगह रेट पे मिल जाती है, डिस्काउंट मिलती है, यहाँ की सुविधा सबसे अच्छी है। ऐसे में किस तरह की कार्रवाई की, क्या किसी लोगों के चढ़ाने पे यहाँ पे अधिकारी आया थे? बिल्कुल सही है सर, क्या जनता, आप जनता में आके जाके देखिए सर, जनता सोचिए, जनता हमारे साथ है, और हमने हमको दुकान खोलने 20% डिस्काउंट लेके उन्होंने इतना ज्यादा आपत्ति दिया कि हम लोग जान से मारने तक बोल दिए कि दुकान चलने नहीं देंगे, आए दिन इतना परेशान कर देंगे कि ये दुकान छोड़ के भाग जाएंगे। कौन कर रहा था? यही यहाँ की यूनियन लोग। अच्छा, यूनियन में आप सर? यूनियन सर, हमें शुरू से परेशान किया जा रहा था, हम कहाँ जाए, हमारे पास न कोई यूनियन दोबारा हमको हमारा हेल्प करने के लिए मिला, ना इन लोग के अलावा कोई यूनियन यहाँ पे है ही नहीं है, किसके पास जाए, हम किससे गुहार करें, यही हम लोग सोचेंगे, मार देंगे जान से मर जाएंगे, भगा देंगे भाग जाएंगे, लेकिन अब कदम बढ़ा दिए तो पीछे नहीं हटाएंगे। आपका अधिकारियों से क्या कहना है, यहाँ के जिले में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं? सर, अधिकारियों से मेरा यही कहना है कि हमारे अधिकारी जिले के कोई नहीं आया, अधिकारियों को कोई हम कमी नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन विरोध करने वाले अंदर अंदर कहाँ से किए, कैसे किए, किस अधिकारी से जाके मेरी शिकायत किए, हो सकता है हमारी बात उनको तक न पहुँचा, एक तरफा पैरवी किए हैं, जो यहाँ के पेपर न्यूज पे जो भी सूचना आया, हो सकता है वही पेपर न्यूज की सूचना सरकारी भी जाने हो, जैसे हम जाने, मेरी दुकान है, मेरे पास कुछ नहीं आया, न यहाँ एप्लीकेशन आया सर, न हमें वहाँ हमारे ऑफिस से कोई फोन आया, कुछ भी नहीं आया, हमें कोई पता नहीं था, जब हम सुबह उठे पेपर देखे, लोगों का फोन आया, कहे सर आपकी दुकान बंद है, कहे क्यों बंद है मेरी दुकान, मेरी दुकान सर खुली है, 7 बजे मैं खोलता हूँ सर, उन्होंने 7 बजे के बाद मेरे ऑफिस वाली मोबाइल जो रहती है 7 बजे के बाद मेरे हाथ में आते हैं, लोगों ने कहा ऐसा ऐसा हुआ, हम कहे ऐसा कोई सूचना मेरे पास नहीं है, हम क्यों बंद करेंगे, न हमारे बंद करने का आदेश आया हमारे विभाग से, न सस्पेंड ऑर्डर कोई आया, तो कैसे हम बंद कर देंगे जी। अच्छा ये बताइए, उस दिन जो अधिकारी आए थे जी, उन्होंने कई दुकान पर छापा मारा था? सर ऐसा कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरे दुकान पे गए थे और किसी दुकान पे नहीं गए थे, सिर्फ उन्होंने नाम डाले। अच्छा, नाम डाला, पहली बात। और दूसरी बात सर की, अगर मेरे पास तो 2 फार्मासिस्ट है जो हमने आपको दिखाया, ठीक है, लेकिन और मेडिकलों में सर फार्मासिस्ट कोई नहीं है, अगर ऐसा है तो आप अभी चलिए किसी फार्मासिस्ट को बुला दीजिए, मैं अगर दिखा देंगे तो सर जो कहिए। तो निष्पक्षता से यहाँ पे अधिकारी से जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, जागे बिल्कुल सर होनी चाहिए, अब समस्त मेडिकल वालों पे होनी चाहिए, समझ में आए किसका कहाँ पे है, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे लोग हैं, जो नहीं विरोधी हैं, जनता तो हमारे साथ है सर, जनता का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, उनका आभार जीवन भर लेके हम चलेंगे, उनको मैं एक टैबलेट लेंगे तो भी 20% देंगे, जब तक यथार्थ रहेगा तब तक 20% इनको देते रहेंगे, चाहे हमको क्यों ना बर्बाद है, सदगुरु महाराज हम स्वामी अग्रानंद महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने कहा बेटा दूसरों को दोगे तो तुम्हें मिलेगा, हमारा सिद्धांत है, मैं जितना हो सकेगा मैं सब कुछ दे सकता हूँ हमारे ऊपर से। तो आपके ऊपर आपके जो कार्रवाई हुई, किसी के चाहने पे एक तरफा कार्रवाई हुई? बिल्कुल हुई है सर, ये सत्यता। उसकी क्या मांग करेंगे आप न्यूज वाले सर? यही न्याय करेंगे न्यूज वाले के अधिकारी से, मैं यही करेंगे सत्य का न्याय किया जाए, बस हम यही हाथ जोड़ के न्यूज वाले से, हमारे समस्त सरकारी, हमारे जिला अधिकारी साहब, हमारे एसपी साहब, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उनके बारंबार प्रणाम करूंगा सर कि न्याय करिए, जनता में जाके पूछे तब जाके हमारे साथ न्याय करें। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के मेडिकल के मैनेजर जो यहाँ देखते देख रेख करते हैं, इनका साफ कहना है कि जो भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचा है, एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक चिट्ठी दिया जिसका हम लोगों ने पूरी तरह से पारदर्शिता से जांच किया कि जो आरोप लगा है कि इनके पास गोदाम नहीं है, हमने आपको दिखाया गोदाम भी है, इनके पास जो एक्सपायरी का बॉक्स है वो भी बॉक्स में मौजूद है, और जो इन्होंने तीसरा आरोप लगाया कि यहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, फार्मासिस्ट किसी वजह से अपनी दवाई लेने गया था, जिसमें वो कहा उन्होंने कि आधे घंटे के या 10-15 मेरे पास समय हो तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन अधिकारी किसी के चढ़ाने पे आए थे इसलिए जल्दीबाजी करके यहाँ से चले गए, और यहाँ पर हमने कई ग्राहकों से भी बात किया, पूरी तरह से ये संतुष्ट हैं, ऐसे में जो आरोप निराधार है और इसकी जांच होनी चाहिए, और मैं जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा से और CMO राकेश कुमार जी से
यही कहना चाहता हूँ कि इनकी पूरी तरह से जांच हो और सभी मेडिकलों की निष्पक्षता जांच हो, तब जाके कार्रवाई हो जिससे जनता संतुष्ट हो सके, दुकानदार संतुष्ट हो सके। ऐसे में न्यूज इंडिया यही अपील करेगा। अब हमारा काम है कि अधिकारी से बैठ के बात करेंगे, इसमें जानेंगे कि क्यों एक तरफा कार्रवाई किसके दबाव पर किया अधिकारी ने। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी।